उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों की आई अच्छी तस्वीर ने दी खबर। सभी 41 मजदूर सुरक्षित। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। सीएम धामी से लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए तेज हुआ प्रचार। 12 में पीएम मोदी का लाल डायरी के बहाने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। प्रदेश में जातीय जनगणना का किया वादा। 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरी देने का दांव। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिन बाकी। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार। पराली जलाने वालों को एमएसपी दिए जाने पर उठाए सवाल। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के भुगतान के लिए भुगतान में देरी पर दिल्ली सरकार को विज्ञापन। बजट पर स्टे लगाने की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगने के बाद प्रशासन ने तेज की कार्रवाई। फूड डिपार्टमेंट ने बाजारों में शुरू की जांच। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया प्रतिबंध का विरोध। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद भावुक भारतीय खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में मिले पीएम मोदी। मोहम्मद शमी को गले लगाकर बढ़ाया हौसला। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ही भाई देश आप लोगों को देख रहा है। गोवा में शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। कहा विदेशी फिल्मकारों को भारत में शूटिंग करने पर मिलेंगी विशेष आर्थिक सुविधाएं। इंक्रीज इन द इंसेंटिव फॉर फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। द मैक्सिमम इंसेंटिव विल नाउ बी अप टू 40% ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद अ रेज्ड लिमिट ऑफ ₹30 crore